हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉग पर। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार हुई हूँ। तो गाइस, हम जा रहे हैं आज मामा जी की रिटायरमेंट पार्टी में रोपड़ू। तो आप भी चलिए हमारे साथ, तो दिखाते हैं वहाँ का व्यू और रिटायरमेंट पार्टी। गाइस, साथ में जा रहे हैं पतिदेव और मैं और मम्मी जी और बुआ जी और मामा जी आगे चले गए हैं। हम सभी साथ में जा रहे हैं। तो गाइज, बने रहे ब्लॉग में और बने रहे वीडियो में। तो दिखाते हैं आपको रिटायरमेंट पार्टी के कुछ किस तरह होती है रिटायरमेंट पार्टी। तो बने रहेगा इस वीडियो में। तो गाइज, यह है श्री मोतीराम जी जो इस वक्त हमारे बाल्ड मेंबर है। तो इनकी गाड़ी जो है हमने दोस्तों बुक की है वहाँ जाने के लिए, मामा जी की रिटायरमेंट रिसेप्शन में जाने के लिए गाइज, जो कि हमारे घर से तकरीबन 35-40 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है। तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो मामा जी जो है वहाँ पे आज अध्यापक पद पे नियुक्त थे और आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं गाइस। तो उस पार्टी में शामिल होने हम वहाँ जा रहे हैं। तो फिर बने रहे गाइस वीडियो में। तो गाइस, मेरे साथ है मेरी वाइफ और मेरी मम्मी और बुआ जी, साथ में मामा जी। हमारे यहाँ मेहमान आए थे तो ये भी वहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग सब साथ में चल पड़े गाइस। तो इस वक्त गाइस हम पहुंच गए हैं निथर, जो कि हमारी नज़दीक की एक मार्केट का नाम है गाइस। तो ये हमारे गांव की मार्केट है और बहुत बढ़िया है गाइस। तो हमारे घर से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है निथर विलेज। तो यहां से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है शाणी गांव। तो वहां से हमको जाना है ऊपर की ओर, तो जहाँ पर है फंक्शन गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम आज बिल्कुल साफ है। पहुँच चुके हैं रोपड़ू में और घर के नज़दीक। तो अभी हम बैठे हैं रास्ते में, तो ये देख सकते हैं बैठे हैं हम यहाँ पर रेस्ट करने। तो देखिए पतिदेव जी और ये मामा जी है जिन्होंने पीठ मोड़ी हुई है, और ये मम्मी और ये बुआ जी है। तो गाइज, ये सामने है मेरे मामा जी और बुआ जी का घर, जहां पर है गाइज फंक्शन आज। तो इस वक्त अभी यहाँ पर कोई नहीं आया है, तो सब मेहमान लोग आने वाले हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है गाइस, लोकल साइट सीन जो है यहाँ का। तो ये लगा है गाइस मेन गेट, जो वेलकम गेट लगा है गाइस। तो यहाँ पर गाइस हमारा वेलकम हो रहा है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं रोपड़ू में। तो ये है हमारी बुआ जी का घर। तो आपको घर का विजिट करवाते हैं गाइस। गाइस, ये जो घर है बहुत बड़ा है, तो एक बार कैमरे में कैप्चर नहीं होता है गाइस, तो दूर से लेना पड़ता है। तो घर का व्यू बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ऊंचाई पे है और एकांत में है गाइस घर। और घर के आंगन में सुंदर से पेड़ है, संतरे के पेड़ है, नारंगी के पेड़ है। तो आप देख सकते हैं गाइस।
तो यहाँ पर गाइस गेट पे पहुँच चुके हैं हमारे बड़े फादर, बड़ी मम्मी, दीदी, जीजू और इनका बेटा। तो इनका स्वागत हो रहा है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस पहुँच चुके हैं गेट पे हमारे दादा, हमारे चाचियाँ जो हमारे गांव से हैं गाइस, हमारे बिरादरी के हैं। तो उनका स्वागत हो रहा है गाइस यहाँ पर। धीरे धीरे गाइस यहाँ पर सभी गेस्ट लोग आ रहे हैं और जो आ चुके हैं तो यहाँ पर बैठे हैं गाइस। अभी इनका वो ड्रिंक जलपान होगा गाइस यहाँ पर। तो इस तरह की शुरुआत है रिटायरमेंट पार्टी की। तो अभी जो है मामा जी लोग वहाँ से ऑफिस से नहीं चले हैं, तो तकरीबन 4 बजे के करीब पहुँचेंगे वो यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस मेरे बुआ जी, आंटी जी और सिस्टर लोग हैं जो कि फोटो का आनंद ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर गाइस इस जगह पर लगा है डीजे जहाँ पे नाचने गाने का इंतज़ाम है। तो यहाँ पर गाइस चला है महिलाओं का नाच गाना जो कि पार्टी की शुरुआत हो रही है गाइस इस वक्त। तो यहाँ पर गाइस मामा जी और बुआ जी आ चुके हैं ऑफिस से। तो इनकी है आज रिटायरमेंट जो कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं गाइस अध्यापक पद से। तो यहाँ पर सभी हार पहनाकर और गिफ्ट देके उनका सत्कार और सम्मान कर रहे हैं गाइस। Thank you.
पर जाओ अभी अभी क्यों जाना बीच में गए तो घर में ना फिर मांग लो पागल क्या वीडियो मारे नीचे स्टाइल में स्टाइल में मारे जाते क्या है आपकी उपकारी मकान देखो ही मैन 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 बना रही जो पड़ोगा तो यहाँ पर गाइस हमारे निथर थाना के जो इंचार्ज एएसआई सर है तो यहाँ पर नाटी लगाते हुए गाइस और हिमाचली गानों पे और हिमाचली म्यूज़िक पे यहाँ पर नाटी लग रही है गाइस। तो यहाँ पर गाइज मुझे म्यूज़िक बंद करना पड़ रहा है क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है उससे कॉपीराइट क्लेम आता है गाइज ब्लॉग में, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक हम नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर गाइस जो है मेरे सबसे बड़े वाले बुआ जी जो है अभी नाच रहे हैं गाइस, तो ये मेरे सबसे बड़े बुआ है मेरे। तो गाइस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें गाइस। तो अब मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, नमस्कार।